बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनका चैनल मोनेटाइज हुए साल 6 महीने हो गए, लेकिन अभी उनको वीडियो में ऐड लगाना नहीं आता है। तो जब तक आप लोग वीडियो में ऐड नहीं लगाओगे तब तक आप लोगों की अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि व्यूज के पैसे कम और ऐड के पैसा यूट्यूब बहुत ज़्यादा देता है। जितना आप लोग ऐड लगाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों की अर्निंग होगी यूट्यूब से। गाइज राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ निर्मला, निर्मला सिंह। मैं फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम है। आप सभी लोग कैसे मास रखते हैं? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। गाइज आप लोगों ने यूट्यूब में किस लिए चैनल बनाया है? ओनली अर्निंग के लिए। किस लिए? अर्निंग के लिए। और अर्निंग करने की जरिया क्या होती है? मोनेटाइजेशन। और मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या होता है? 90 दिनों के अंदर या तो 10 मिलियन व्यूज और 1000 सब्सक्राइबर, या तो फिर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। अगर 90 दिनों के अंदर 1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन व्यूज है तो आप लोगों का चैनल मोनेटाइज होगा और इसके बाद अर्निंग की रास्ता चालू होगी। और या तो फिर आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम जब पूरा होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। जब चैनल मोनेटाइज होगा तो अर्निंग का रास्ता हमारा, मतलब हमें यूट्यूब से अर्निंग होने लगती है। जो हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो में जितने व्यूज आते हैं उससे हमें अर्निंग होती है। लेकिन व्यूज के कम और ऐड के ज़्यादा अर्निंग होती है। जो अभी बहुत लोग हैं ऐड लगाना नहीं आता, और ऐड मल्टीपल ऐड, एक ऐड से बहुत, आप बहुत सारे लोगों की वीडियो देखे होंगे कि अगर उनकी 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है तो दो दो तीन तीन ऐड दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग मल्टीपल यूज ऐड लगाते हैं। जो यूट्यूब आपको ऐड देता है तो वो तो देता ही है, एक ऐड देता है, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो अपनी 8 मिनट की वीडियो में मल्टीपल ऐड लगा सकते हो, मतलब 2-3 ऐड लगा सकते हो। लेकिन हाँ, ऐड वीडियो में तभी आएगा जब आपकी वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा की होगी। तो वीडियो में ऐड लगाने के लिए, वीडियो में ऐड लाने के लिए वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर 1 मिनट से कम की वीडियो होगी, 1 मिनट के ऊपर की वीडियो नहीं होगी तो आपके वीडियो में ऐड नहीं आएगा। जब ऐड नहीं आएगा तो आपकी अर्निंग कम होगी, और जब ऐड आएगा तो आपकी अर्निंग बहुत होगी, क्योंकि यूट्यूब व्यूज के पैसे कम और ऐड के पैसे बहुत देता है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले तो ऐड लगाना नहीं आता है, और फिर अगर आता भी है तो उनको मल्टीपल ऐड लगाना नहीं आता, जिसके कारण उनकी वीडियो, कोई कोई वीडियो 10 से 15 मिनट की भी होती है, लेकिन उनके वीडियो में ओनली एक ही ऐड आता है, या तो स्टार्टिंग में या बीच में या फिर एंड में। क्यों? क्योंकि उनको ऐड लगा, मल्टीपल ऐड लगाना आता नहीं है, और यूट्यूब जो देता है वो एक से ज़्यादा ऐड देता नहीं, क्योंकि यूट्यूब को भी पता है कि जितना ऐड इनको देंगे उतनी ज़्यादा इनकी अर्निंग होगी। इसलिए यूट्यूब ने आपको अपनी इच्छा से 10-15 मिनट की वीडियो में, या फिर 8 मिनट की वीडियो में, या फिर 2-3 मिनट की वीडियो में एक ऐड दे देता है, और उसके बाद वो आपको ऐड नहीं देता, क्योंकि अब वो आपको ऐड लगाने का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप अपनी अर्निंग ज़्यादा करना चाहते हो तो मल्टीपल ऐड लगा सकते हो, और अगर आप अर्निंग कम करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग अर्निंग करना चाहते हो यूट्यूब से तो मैं आप लोगों को मल्टीपल ऐड लगाना सिखाऊंगी। तो आप लोगों को मल्टीपल ऐड लगाना सीखने के लिए वीडियो में एंड तक रहना पड़ेगा। अगर आप लोग वीडियो को आधी अधूरी देखोगे और भाग जाओगे तो फिर आप लोगों को ऐड लगाना, मल्टीपल ऐड लगाना, एक से ज़्यादा ऐड लगाना नहीं आएगा। तो इससे आपकी अर्निंग जो होगी एक 10-15 मिनट की वीडियो में 1-2 रुपए होके रह जाएगी। और अगर आप लोग मल्टीपल ऐड लगा लोगे तो 1-2 रुपए के जगह 3-4 रुपए की अर्निंग हो जाएगी, मतलब अर्निंग का क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा हो जाएगा नॉर्मल ऐड के मुकाबले। अगर आप लोग मल्टीपल ऐड लगाओगे तो आप लोगों का अर्निंग कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइज अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे
तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए चल रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पे और आप लोगों को वहीं से बता रहे हैं कि मल्टीपल ऐड कैसे लगाया जाता। तो दोस्तों चल रही है मेरी वीडियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप लोग देख लीजिए। पहले हमको जाना है अपने कहाँ पे, गूगल में या क्रोम में जाना है। गूगल या क्रोम में जाने के बाद वहाँ पे लिखना है www.ytstudio.com। जब इतना हम लिखेंगे तो आ जाएगा, उसके आगे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा लॉगिन का ऑप्शन। अगर आप लोग अपना चैनल अभी क्रोम में या गूगल में लॉगिन नहीं कर रखे हैं तो डेस्कटॉप साइड में जाकर के इसको लॉगिन कर दीजिए, तो तभी आप लोगों का मतलब चैनल क्रोम में ओपन होगा। अगर आप लोग अपना चैनल क्रोम में लॉगिन नहीं करोगे तो आप लोगों का चैनल ओपन नहीं होगा। तो क्या करना है, हमको जाना है गूगल में या क्रोम में, दोनों में ये काम हो सकता है। गूगल में भी ये काम कर सकते हैं और क्रोम में भी ये काम कर सकते हैं, तो मैं दोनों से करती हूँ। अधिकतर काम मेरा गूगल से होता है, तो मैं जाऊँगी गूगल में और लिखूंगी www.ytstudio.com। इतना लिखने के बाद आएगा नीचे लॉगिन, जब आएगा तो हम कर देंगे लॉगिन पे क्लिक। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा क्या होगा, चैनल खुल के हो जाएगा तैयार, हमारे सामने हमारा चैनल खुल जाएगा। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जब ऐसा इंटरफेस आएगा तो हमको करना क्या है, जो ये वीडियो दिख रही है हमको जाना है कंटेंट पे। किस पे, कंटेंट पे जाना है। जब कंटेंट पे जाएंगे तो हमारी जितनी वीडियो है सारी वीडियो खुल के तैयार हो जाएंगी। अगर लाइव में आप लगाना चाहते हो तो लाइव में जा सकते हैं, अगर वीडियो में लगाना चाहते हो तो वीडियो में, 60 वीडियो में नहीं लग पाएगी क्योंकि 60 वीडियो आपकी 33 सेकंड, 34 सेकंड, 35 सेकंड की होती हैं, तो इसमें नहीं लग पाएगी, 1 मिनट से ऊपर वाले में लग पाएगी। तो हम अपने जब कंटेंट पे जाएंगे तो हमारा जितने वीडियो होंगी वो खुल के हो जाएंगी तैयार। जब वीडियो खुल के तैयार हो जाएंगी तो करना क्या, हमको आना है अपनी जिस वीडियो में आप लगाना चाहते हो उस वीडियो को आप क्लिक कर दीजिए। उस वीडियो को क्लिक करने के बाद आएगा आपको अर्निंग का ऑप्शन। क्या आएगा आपको, अर्निंग का ऑप्शन। जब अर्निंग का ऑप्शन आपको दिखे तो आप अर्निंग वाले पे कर दीजिए क्लिक। अर्निंग वाले पे क्लिक करने के बाद देखे कुछ ऐसे इंटरफेस दिख रहा है। ऐसे इंटरफेस दिखने के बाद देखो यहाँ पे लिखा है मतलब ब्रिक एड, मतलब बीच में लगा है या लास्ट में या स्टार्टिंग में, मतलब आपको एक ऐड है आपका तो वो ऑन होना ही चाहिए। ब्रेक ऐड, मिड ऐड आपका ऑन होना ही चाहिए। और इसके बाद आइए नीचे प्रीव्यू में, रिव्यू में आने के बाद आप उसी को रिव्यू को कर दीजिए क्लिक। जब आप प्रीव्यू को क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा इंटरफेस खुल के होता तैयार, ऐसा इंटरफेस खुल के होता तैयार। तो 1 मिनट, 1 सेकेंड और 7 मिनट, 2 मिनट, 2 सेकेंड, कुछ ऐसे ऑप्शन जो ये हैं, इनको इनमें से आप जितने मिनट, जितने जितने मिनट के बीच का आपको ऐड लगाना चाहते हैं उतने मिनट में आप कर दीजिए क्लिक। जब उतने मिनट में आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो आपके सामने पूरी आ जाएगी ऐड लगाने के लिए। फिर क्या करते हैं, ये जो मतलब हमारे सामने खाने खाने के जैसे दिख रहे हैं, इन खानों को करना है हमको क्लिक और खींच खींच के इन्हीं पे हमको ऐड लगाते जाना है। 2-3-4 ऐड लगा देंगे, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 मिनट, 2 सेकंड, 1 मिनट, 3 सेकंड, 1 मिनट, 4 सेकंड, ऐसे कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके लगा देंगे। जब ऐसा चेंजिंग करके लगा देंगे तो जब हम 4 से 5 ऐड अपने वीडियो में लगाएंगे, 8 से 10 मिनट या 12 से 13 मिनट के बीच में अगर हम 6 से 7 ऐड लगाएंगे तो जरूर यूट्यूब फिर हमारे वीडियो में 2 से 3 या 3 से 4 ऐड दे देगा। और अगर हम नॉर्मल ऐड रहने देंगे तो ओनली 1 ऐड आएगा। और जब हम 7 से 8 ऐड लगा देंगे तो हो सकता है 3 से ऐड आ जाए, जिससे कि हमारा अर्निंग का रास्ता कुछ ज़्यादा हो जाए, अर्निंग कुछ हमारी वीडियो में ज़्यादा होने लगे। तो जो आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े क्रिएटर जो हैं, इनके वीडियो में 8 से 10 मिनट की वीडियो में 2 से 3 या 4 ऐड दे देता है। तो क्यों देता है, ये लोग मल्टीपल ऐड यूज करते हैं तभी इन लोगों के वीडियो में 3 से 4 ऐड आते हैं। तो अगर आप लोग भी मल्टीपल ऐड यूज करोगे तो आप लोगों के भी वीडियो में 1 से ज़्यादा ऐड, 2-3 ऐड आने लग जाएंगे। और जब 2-3 ऐड आने लग जाएंगे तो आपका अर्निंग ज़्यादा होने लग जाएगा। आपके वीडियो में अगर 8 से 10 मिनट की है तो उसमें
5 से 6 या 7 मिनट 6 रुपए की अर्निंग हो जाएगी 200-150 व्यूज में। तो गाइज मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री।